मध्य प्रदेश के उमरिया जिला अस्पताल में पदस्थ डॉक्टर द्वारा उपचार के दौरान बड़ी लापरवाही सामने आई है। डॉक्टर की लापरवाही से एक युवक की मौत हो गई। गुस्साए परिजनों ने दोषी डॉक्टर पर कार्रवाई करने की मांग को लेकर हंगामा करने लगे। मृतक के परिजनों ने कहा कि दोषी डॉक्टर पर प्रशासन कार्रवाई करे, नहीं तो हम आत्मदाह कर लेंगे। मृतक दीपक सिंह के परिजनों ने बताया कि बुखार से पीड़ित युवक को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया था, लेकिन ड्यूटी डॉक्टर बीके प्रजापति की लापरवाही से युवक को गलत इंजेक्शन देने के कारण उसकी हालत गंभीर हो गई, जिसे जिला अस्पताल के अन्य डॉक्टरों द्वारा आनन फानन में हायर सेंटर के लिए रेफर कर दिया गया, जहाँ दीपक सिंह की हालत और ज्यादा बिगड़ने के कारण उसकी मौत हो गई। वहीं जिला अस्पताल के ड्यूटी डॉक्टर बीके प्रजापति मृतक की भर्ती पर्ची को छुपाकर संदिग्ध परिस्थितियों में मौके से फरार हो गए। इस दौरान मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी का मोबाइल बंद नजर आया। वहीं प्रशासन निर्देशन पर डॉक्टरों की 3 सदस्यीय टीम से मृतक का पोस्टमार्टम कराया गया, जहां फॉरेंसिक रिपोर्ट आने के बाद ड्यूटी डॉक्टर पर कार्रवाई करने का भरोसा दिलाया गया है। पेश है उमरिया के संवाददाता शंकर सिंह की खास रिपोर्ट। कल इसकी तबीयत ज्यादा खराब थी तो इसको अस्पताल लाए थे, तो डॉक्टर प्रजापति ने इसको इंजेक्शन लगाया, सब परिजनों का कहना है, और इंजेक्शन लगाते हुए उसकी हालत खराब हो गई, जिससे उसको उमरिया से कटनी के लिए रेफर कर दिया गया था। कटनी से फिर उसको जबलपुर के लिए रेफर किया, तो जबलपुर रास्ते में उसकी मौत हो गई। परिजनों का आरोप ऐसा है कि ये डॉक्टर द्वारा गलत इंजेक्शन लगाने से इसकी मौत हुई है। मामले में मार्ग कायम कर लिया गया है। दीपक सिंह बघेल पुत्र धनीन सिंह बघेल उम्र 25 वर्ष को पीएम के लिए लाया गया था, जिसकी कि उपचार के दौरान मृत्यु हो गई थी, जिसका कि आज टीम पीएम हम लोगों के द्वारा किया गया। मैं डॉक्टर दीपाक्षी सिंह, डॉक्टर प्रमोद द्विवेदी, डॉक्टर ऋचा गुप्ता के द्वारा टीम पीएम किया गया। एक जिम्मेदार पद पर होते हुए डॉक्टर के द्वारा बिना किसी जाँच के, बिना किसी उसके परीक्षण किए हुए डायरेक्ट इंजेक्शन लगा देना, और ये चूंकि देखने वालों ने देखा है कि उसके शरीर पे काले काले चिकट्टे पड़ गए, और ये महान घोर लापरवाही है। और हम मैं निंदा करती हूँ कि ऐसे जिम्मेदार पद पर रहते हुए इतना लापरवाही पूर्ण कार्य करना घोर निंदनीय है, और जो क्षति हुई है उस क्षति को तो पूर्ण कर कोई नहीं कर सकता। पर ये आने वाले समय के लिए प्रशासन से मैं आग्रह करूँगी कि इस प्रकार के लापरवाही व्यक्तियों के खिलाफ, दोषी व्यक्तियों के खिलाफ कठोर से कठोरतम कार्यवाही करें। तो यहाँ पे हम लोगों ने जिला अस्पताल में भर्ती कराया, तो इसको ड्रिप लगाई गई, जैसे ड्रिप लगाए तो इसको ठंड बढ़ने लगी। फिर वहाँ पे डॉक्टर चंदेल ड्यूटी पे थे, तो उन्होंने पूछा कि इसका ट्रीटमेंट कौन कर रहा था, तो हम लोगों ने बताया कि बीके प्रजापति एक डॉक्टर है यहाँ पे, वो ही इलाज कर रहे थे। इसके पहले भी लापरवाही से कोई तिवारी, विवेक तिवारी, विनय तिवारी करके लड़का था, रेलवे में नौकरी करता, तो उसकी भी जान सिर्फ इसी वजह से गई है, यही गलत इंजेक्शन लगने की वजह से। वो आए हैं, कुछ भी डायग्नोज नहीं किया पेशेंट को, सीधे एक इंजेक्शन लिख दिया, और वो जैसे इंजेक्शन लगा विद इन 5 मिनट्स में हमारा भाई बिल्कुल अनकॉन्शियस हो गया, उल्टी करने लगा, उसकी सांस नहीं ले पा रहा था, उसकी आंखें पलट गई, मुंह से सफ़ेद झाग निकल रहा था। और फिर ऐसा देख के फिर वहाँ पे डॉक्टर सोनी ने हमको सलाह दी है कि आप इसको तुरंत लेकर जाइए, यहाँ पे इससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं कर सकते, सिर्फ ऑक्सीजन दे सकते हैं और इससे ज़्यादा यहाँ पे कुछ नहीं हो पाएगा। कटनी जब ले गए तो वहाँ पे जो उन्होंने डायग्नोस किया, तो वहाँ पे उन्होंने बताया कि इसको तो डेंगू है, क्योंकि उसका प्लेटलेट्स 36,000 पे आ गया था। सवाल भी किया कि क्या ये जहर खाया, क्योंकि उसके शरीर में जहर बहुत बन गया था। तो हम लोगों ने बताया नहीं, जहर क्यों खाया गया, ये सिर्फ वो इंजेक्शन का साइड इफेक्ट था, जो शरीर में इतना ज़्यादा जहर बन गया कि उस जहर को बाहर नहीं निकाल पाए, और धीरे धीरे उसके खून में प्लेटलेट्स डाउन होते चले गए और खून पतला हो गया, फिर वो हल्की सी भी खांसी लेता था तो उसके मुँह से खून निकलता था। कहते हैं कि ऐसी एक कार्रवाई हो जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन की तरफ से, कि एक मिसाल बन जाए कि कम से कम कोई भी डॉक्टर किसी पेशेंट को देखे तो उसको भेड़ बकरी तरह ट्रीट ना करे, एक इंसान की तरह ट्रीट करे, अच्छे से डायग्नोस करे, अरे उसको दवाई हॉस्पिटल से देना है तो दे, नहीं तो बाहर की पर्ची दे दे। सब यहाँ जान बचाने के लिए, पैसा लगाने के लिए तैयार है। मेरा सिर्फ यही एक निवेदन रहेगा यहाँ जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन से कि कुछ ऐसा मिसाल बनाए कि ये जो लापरवाह डॉक्टर है थोड़ा सा ये होश में आए। आज में एक गलत इंजेक्शन के पर्ची लिखे, बोले कि जाओ मेडिकल स्टोर से लेके आओ, और मेडिकल स्टोर से जैसे लाए और मैडम को दिए और वहाँ से वो गोल हो गए, और जैसे लगाए 5 मिनट के अंदर उसको इतना ज़्यादा रिएक्शन हुआ कि आँख वाँख पलटने लगी, खून के ब्लड आने लगा, मुँह से आने लगा, पसीना आने लगा, तो अपन लोग बहुत परेशान हुए। तो डॉक्टर वहाँ से लापता थे, तब किसको दिखाया था, सोनी सर थे, सोनी डॉक्टर साहब थे, तो उनसे पूछे, बताए कि ऐसी ऐसी समस्या, तो तुरंत आए या फिर मेरे को बोले कि अलग से ले जाके कि आप तत्काल में इनको रेफर करिए, यहाँ स्थितियाँ बहुत ख़राब है, कोई डॉक्टर साहब नहीं है।
घटना हुई, बहुत दर्दनाक घटना हुआ है। इनके इंजेक्शन से पूरे शरीर में पॉइजन, बॉडी में पॉइजन बन गया। यहाँ से जो वहाँ से डॉक्टर भी भाग गया, पर्ची भी गोल कर दिया गया, और इसके बाद ये जो यहाँ से रेफर दूसरा डॉक्टर बोलता है, वो कटनी पहुँचते पहुँचते ही इसका घटना स्थल पर ख़त्म हो गया। ऐसे डॉक्टर को डिसमिस किया जाए, कार्रवाई किया जाए और जेल करवाया जाए, उसको दंड मिला जाए ऐसे डॉक्टर को, तब हम लोगों को संतुष्टि है। अन्यथा अन्यथा कोई ना कोई घटना अभी हम उसके साथ या हम खुद आत्मदाह कर लेंगे। डॉक्टर प्रजापति ने ऐसा इंजेक्शन लगा दिया, इंजेक्शन लगाते ही उनके बॉडी में इफेक्ट पड़ने लगा और फ्रैक्चर मुंह से निकलने लगा और वो माने इंजेक्शन से पॉइजन बन गए उनके बॉडी में। ड्यू टू डॉक्टर प्रजापति के मिस्टेक, गलती के कारण उनकी डेथ हुई है। ये बिल्कुल 100% हम प्रत्यक्ष रूप से बता रहे हैं जो सच है। निवेदन ये करते हैं कि ऐसे डॉक्टर जो अपने गलती के कारण किसी की मृत्यु का पात्र बनता है तो उसका इमीडिएटली पनिशमेंट मिलना चाहिए। हमारा अधिकारियों से ही अनुरोध है, यही निवेदन हम कर सकते हैं कि उसको पनिशमेंट मिलना बहुत अनिवार्य है डॉक्टर प्रजापति को, और उसी के कारण ये हत्या हुई है और उसका पनिशमेंट जरूरी है। ट्रांसफर तो नॉर्मल टर्मिनेट हो या सस्पेंड हो, ट्रांसफर कोई पनिशमेंट नहीं है। ये सख्त पूरी सीबीआई जांच यदि कायदे से नहीं होती तो हम समरजीत सिंह छत्री होते हुए आत्महत्या करेंगे, दिल्ली सरकार को हिला देंगे।